जय हिंद वंदे मातरम साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंध्र प्रदेश की स्थानांतरण कृषि किस नाम से जानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताइए फटाफट से। आंध्र प्रदेश की स्थानांतरण कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आंध्र प्रदेश की स्थानांतरण कृषि को पोडू के नाम से जाना जाता है। एक पूछा जाता है झूम कृषि, तो देखिए झूम कृषि जो है ये उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है, झूम कृषि। दूसरा प्रश्न है, हम्बोल्ट धारा किस समुद्र में किस तट के निकट प्रभावित होती है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताइए, हम्बोल्ट धारा ये किस समुद्र में और किस तट के निकट प्रभावित होती है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हम्बोल्ट धारा ये किस प्रकार की धारा है? ये ठंडी जल धारा है जो प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास प्रवाहित होती है, ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है लेब्राडोर, तो लेब्राडोर किस प्रकार की धारा है? तो ये भी ठंडी जलधारा है, ध्यान रखेंगे। और गल्फ स्ट्रीम हमने आपको पहले भी बताया था, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है? तो गर्म जलधारा है। तीसरा प्रश्न है, चोल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, सारे प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चोल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब है अष्टाध्यायी, यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो आप सभी जानते हैं पाणिनि है। आगे देखिए, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? चलिए फटाफट से आंसर बताइए, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए मार्को पोलो इटली का रहने वाला था जो 13वीं सदी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। तो सही जवाब है इटली, ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ह्वेनसांग पूछा जाता है किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ह्वेनसांग, और ह्वेनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। और फाययान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाययान आया था, और फाययान जो है भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। आगे देखिए, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताइए। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? ये गुजरात राज्य में है, और इसको किसने लूटा था यानी नष्ट किया? तो याद रखिएगा सुल्तान महमूद, पूरा नाम है महमूद गजनवी ने। देखिए महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 तक के बीच में इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था 1025 में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, महमूद गजनवी। आगे देखिए, सूर्य से आती हुई परावैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए, सूर्य से आती हुई परावैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं O3। O3 क्या है? तो ये ओजोन है, ओजोन का अनुसूत्र होता है O3। अब पूछा जाता है ओजोन की सांद्रता को किस में मापा जाता है? तो डॉप्सन में मापा जाता है। ओजोन गैस जो है, इस पूछा जाता है इसकी गंध किस तरह की होती है? तो
तो सड़ी मछली की तरह गंध होती है ओजोन की, और ओजोन गैस जो है चांदी के चमक को काला कर देता है। सभी को ध्यान रखेंगे, ओजोन गैस ऑक्सीकारक एवं अवकरण दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इतने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं ओजोन से रिलेटेड। ओजोन लेयर किस मंडल में मिलता है, तो समताप मंडल में। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो देखिए 1857 की क्रांति ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड केनिंग के समय में हुआ था। कब हुआ था, तो 10 मई 1857 से शुरुआत होती है ये विद्रोह। कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से, और इसमें प्रमुख नेता थे तात्या टोपे। इनका मूल नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। ध्यान रखेंगे ये जो ऑप्शन ए में है धोंदू पंत, ये किसका नाम था, तो नाना साहब का मूल नाम था धोंदू पंत। रामतनु पांडे की बात करें तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। बीरबल का मूल नाम पूछा जाता है महेश दास, सभी को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था, तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय पूछे तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था, तो हिटलर ने, यहाँ पे लिख देते हैं हिटलर ने कहा था। आप लोग कमेंट करके बताइए लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पे 10वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में, याद रखिएगा यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, ध्यान रखेंगे। और ये जो छठी अनुसूची है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। अनुसूची 7 भी पूछा जाता है, इसको भी सुन लीजिए। तो देखिए 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, आप सभी जानते हैं। उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को कौन सी जहाज रानी नहर जोड़ती है, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन जोड़ती है, कील नहर, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है कील नहर। पनामा नहर पूछा जाता है, तो ऑप्शन बी में जो है पनामा नहर ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को एक दूसरे से जोड़ती है। आगे देखिए एलिफेंट पास निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो एलिफेंट पास ये श्रीलंका में स्थित है। यहाँ पर जो भी बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए एलिसा टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, चलिए आंसर बताइए फटाफट से, एलिसा टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है एड्स। अब पूछा जाता है एड्स जो रोग है ये किसके कारण होता है, तो ये HIV वायरस से होने वाला रोग है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है, याद रखिएगा संतूर वादन से, यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है।
एक पूछा जाता है पंडित रविशंकर किससे संबंधित थे, तो सितार वादन से, यहाँ पे लिख देते हैं सितार वादन से संबंधित थे कौन, तो पंडित रविशंकर। जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे, तो तबला से। हरिप्रसाद चौरसिया पूछे तो बांसुरी वादन से। बिस्मिल्ला खां पूछे तो शहनाई वादन से। अमजद अली खां पूछा जाता है सरोद वादन से। और पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादन से। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है, चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है, तो यहाँ पर जो भी बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बाबरनामा। ये क्या है, तो आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, तो ये बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, और इसे तुर्की भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। हुमायूं नामा की बात करें तो हुमायूं नामा की रचना किसने की, गुलबदन बेगम ने। और अकबरनामा पूछा जाता है तो अकबरनामा की रचना किसने किया, तो अबुल फजल ने। सभी को ध्यान रखेंगे। संविधान में संघ को खाली स्थान नाम दिया गया है, तो ध्यान दीजिए संविधान में संघ को इंडिया या भारत का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, तो यहाँ पे 17 का आंसर है सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ध्यान रखेंगे। राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय है, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। तो राज्य सूची में कृषि आता है, स्थानीय प्रशासन आता है, स्वास्थ्य, सड़क, पुलिस, जेल, ये सभी जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, आप लोग कमेंट करके बताइए। संघ सूची में वर्तमान में कुल विषयों की संख्या कितनी है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो यहाँ पे 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, तो सी ऑप्शन जो है ये क्या है, बिल्कुल सही है। अब हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनता है इसकी खोज किसने किया था, तो 1921 में दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी, तो गेहूं और जौ, नोट कीजिए सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी, गेहूं और जौ। और सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, तो भाव चित्रात्मक पूछा गया था। और सिंधु सभ्यता का बंदरगाह का नाम क्या था, लोथल, जो कि वर्तमान में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है लोथल। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था, और देखिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, तो यहाँ पे 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ए और बी दोनों। ये जो आचार्य जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था किसके दरबार में, तो जयसिंह सिद्धराज और कुमार पाल के दरबार में मिला था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बता देते हैं, तो जैसे कि ऑप्शन में है जय सिंह सिद्धराज, इन्होंने निर्माण करवाया था मोरेडा का सूर्य मंदिर। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मोरेडा का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो जय सिंह सिद्धराज ने। तो 20 हो गया आपका, 21 है
केंद्रीय सांख्यिकी CSO इसकी स्थापना कब होती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब होती है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, 1951 में। ध्यान रखेंगे कब होती है, 1951 में। नाबार्ड की स्थापना पूछा जाता है, नोट कर लीजिए, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। सिडबी की स्थापना पूछा जाता है, 1990 में होती है। आगे देखिए, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो सही जवाब है चक्रवाती की शक्ति का। आगे देखिए, किस देश को एंटलीज का मोती के उपनाम से जाना जाता है? चलिए 23 के लिए आंसर बताइए, एंटलीज का मोती के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, क्यूबा को। एवोगाडो संख्या का मान कितना होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताइए एवोगाडो संख्या का मान कितना होता है? तो ये होता है 6.023 × 10³। यहाँ पे बी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। शुष्क बर्फ क्या है? ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो शुष्क बर्फ क्या है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते जो है देवनागरी लिपि में अंकित है। और इसे भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो डेट नोट कर लीजिए, 26 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? तो सबसे नीचे। जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए, जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करेगा? तो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और पूछा जाता है कि जल का जो घनत्व होता है अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जल का घनत्व मैक्सिमम। और 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जल का जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान आप सभी जानते हैं 7 होता है। देश में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी खालिस्तान के बीच चलाई गई? तो यहाँ पे 29 का आंसर है, मुंबई एवं मजगांव के बीच में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है? तो किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है? H2SO4 को, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखेंगे, और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पूछा जाता है तो इसका स्टोरेज बैटरी में किया जाता है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण आदि में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? चलिए 31 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। और सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, भाव चित्रात्मक। और सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बैल। आगे देखिए, संगम काल में मनरम कहते थे, यानी कि संगम काल में जो मनरम होते थे वो क्या होते थे? तो यहाँ पे 32 का आंसर क्या होगा याद कर लीजिए, राज की सभा को मनरम कहते थे। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आपको बताते हैं, संगम काल में ग्राम प्रशासन को क्या कहा जाता था? तो अम्बलम, यहाँ पे लिख देते हैं अम्बलम।
संगम काल में ग्राम प्रशासन को अम्बलम कहा जाता था। संगम काल में कर संग्राहक को वरियार कहा जाता था। संगम काल में जासूसों को क्या कहा जाता था? तो ओरेरी। सबको याद रखिएगा, ओरेरी। संगम काल में जासूसों को क्या कहा जाता था? तो ओरेरी। और संगम काल में सबसे बड़े मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ये पूछ सकता है वेंतर, वेंतर। आगे देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में शुरू की गई? चलिए 33 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो यहाँ पे 33 का सही जवाब है 2000 में। आगे देखिए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? खोपड़ी में आपको बताना है हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए 22, याद रखिएगा। और मनुष्य में कुल पसलियों की संख्या पूछे तो 24, और जोड़ा में पूछे तो 12, इसे भी ध्यान रखेंगे। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 206 हड्डियाँ होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता जो है सर्वोच्च है? यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो 35 का आंसर है बी ऑप्शन, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। आगे देखिए, प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? तो प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? अमेरिका। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, भारत की सबसे उत्तर पश्चिम क्या कहलाती है? तो यहाँ पे 37 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे उत्तर पश्चिम जो है बिंदु, ये इंदिरा कॉल है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो कोंकण तट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। केरल का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है केरल के तटीय क्षेत्र को। आगे देखिए, ओलंपिक खेलों में भारत में पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? तो यहाँ पे 38 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए 1928 में। ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में। आगे देखिए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम पोटिन मुद्राओं को जारी किया? तो ये सबसे पहले किसने किया? सातवाहनों ने। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, यहाँ पे लिख देते हैं सिमुक, ये कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक। आगे देखिए, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, हैवर विधि से। अगला प्रश्न है, मूली एक रूपांतरित क्या है? तो देखिए, मूली एक रूपांतरित क्या है? जड़। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और पानी का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर वो न्यूनतम होता है, दोनों को ध्यान रखेंगे। आलू का कंद एक रूपांतरित क्या है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार पहले भी बताया है। आगे देखिए, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? देखिए, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर। और किस प्रकार का बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आज के इस प्रैक्टिस सेट में 44 प्रश्न को ही रखा गया था। तो सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें।